Hello students, how are you? I hope you all are fine and I welcome you all to another video class of your SST subject. In today's video session, we are going to start a new chapter of your SST textbook that is chapter number 5, and the name of chapter is Life in Temperature Zones. Okay? So, this chapter me टेम्परेचर जोन की लाइफ के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की क्लाइमेट होती है वहाँ पर कैसी वेजिटेशन पाई जाती है वहाँ पे किस तरह के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं और वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका लाइफ स्टाइल या लाइफ कैसी है ठीक है तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे ओके सो वी विल लर्न अबाउट क्लाइमेट वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ एंड पीपल ऑफ़ इक्विटोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रासलैंड हॉट डेजर्ट्स एंड फ्रिज जोन्स ओके तो हम इन चारों जोन में रहने वाली लोगों के बारे में जानेंगे वहाँ की क्लाइमेट के बारे में वेजिटेशन के बारे में और वहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जानेंगे ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर और आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे सक देख सकते हैं है ना और ये जो पिक्चर्स हैं इनमें हमारे लिए कोई मैसेज है तो इसे पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये पिक्चर्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं सो फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट अ क्लास रूम निशाज क्लास टीचर इज टीचिंग देम अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड जो निशा के क्लास टीचर हैं वो सभी बच्चों को जानवरों के बारे में पढ़ा रही हैं जो कि पूरी वर्ल्ड में पाए जाते हैं ठीक है सो एक बच्चा कहता है वाओ सो मेनी डिफरेंट एनिमल्स सो द चिल्ड्रन आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट नोइंग दैट तो जो टीचर हैं वो पूछती हैं चिल्ड्रन इन विच फॉरेस्ट कैन यू फाइंड अ मकाओ एंड औरंगटोन अ जैगुआर इलेक्ट्रिक ईल एंड फिश ईटिंग पिराना तो टीचर बच्चों से पूछती हैं कि उन्हें कहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जैसे कि मकाओ औरंगटोन जैगुआर और इलेक्ट्रिक ईल्स जैसी चीज़ें जो हैं जो जानवर हैं वो कहाँ देखने को मिल सकती हैं तो किसी बच्चे ने या निशा ने आंसर किया तो उसकी टीचर बोलती हैं यस निशा द एमेजोन रेन फॉरेस्ट आर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स फिश स्पीसीज प्लांट्स एंड मिलियंस ऑफ इंसेक्टर हैं वो बच्चों को बताती हैं कि हाँ जो एमेजोन के रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं फिशेज पाई जाती हैं और वहाँ पर बहुत तरह के इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं ओके okay? ओ अमेजिंग वेयर आर दीज फॉरेस्ट लोकेटेड एंड विच अदर एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सो जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं दे वोंट टू नो वट आर द अदर एनिमल्स एंड वेयर आर दे फाउंड इन द वर्ल्ड ठीक है सो टीचर जो है वो उनको आंसर करती हैं दैट दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन सम कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ के डिफरेंट कंट्रीज़ में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड सो लेट्स लर्न अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड एनिमल्स फाउंड इन द ओके तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो जानवरों के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और टीचर उन्हें डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बता रही हैं और वहाँ पर रहने वाले जानवरों के बारे में ओके okay? अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन स्किल्स की कि इस जो पिक्चर हैं इनसे हमने क्या ऑब्जर्व किया इमेजिन यू आर वॉकिंग थ्रू द एमेजोन रेन फॉरेस्ट नेम एनी फोर एनिमल्स दैट यू माइट कम अक्रॉस ठीक है तो हमने पिक्चर्स के माध्यम से ये जाना कि यहाँ पर अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात हो रही थी है ना तो हमें यहाँ पर पाए जाने वाले चार जानवरों के नाम बताने हैं ओके सो इट कुड बी पिराना जो कि हमने पिक्चर में अभी देखा ठीक है जो पिराना है वो हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट में मिलती है द सेकेंड कुड बी मकाओ थर्ड कुड बी जैगवार एंड फोर्थ कुड बी इलेक्ट्रिक ईल ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें रेन फॉरेस्ट में मिल जाएंगी मतलब ये सारे जो फिशेज हैं और एनिमल्स हैं ठीक है सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट इक्विटोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रास लैंड हॉट डेजर्ट्स एंड फ्रिजर्ड जोन इन चारों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्विटोरियल फॉरेस्ट सबसे पहले इक्विटोरियल फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इक्विटोरियल फॉरेस्ट कहाँ पर है तो हमने पिछले चैप्टर में टेम्परेचर जोन्स की बात करी थी है ना? जिसमें हमने बात करी थी ट्रॉपिक सॉरी हमने बात करी थी टोरिड जोन की है ना? तो जो कि ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ तक फैला था जिसे हम इक्विटोरियल जोन भी कहते हैं और ऐसे फॉरेस्ट जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं उन्हें हम इक्विटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं ठीक है बच्चों अब बात करते हैं वहाँ की क्लाइमेट की तो वहाँ की जो क्लाइमेट है दैट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड विद हैवी रेनफॉल वहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गर्मी है और वहाँ की एयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है ठीक है अब बात करते हैं वहाँ की वेजिटेशन के बारे में सो so, दे हैव डेंस फॉरेस्ट कंटेनिंग एवरग्रीन ट्रीज़ तो वहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और उस जंगल के जो पेड़ होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं मतलब वो कभी भी अपने पत्तों को नहीं झाड़ते आप यहाँ पर नोटिस करते होंगे ना कि कई कुछ ऐसे सीजन होते हैं जिसमें पेड़ जो हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं तो यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियों को कभी भी शेड नहीं करते बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की कि इक्विटोरियल फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ कैसी है तो वाइल्ड लाइफ के नाम पर हमें यहाँ पर एलिफेंट्स देखने को मिलते हैं जैगुआर्स, एनाकोंडास एंड सो so ओन यहाँ पर बहुत तरह के जानवर जैसे कि एलिफेंट्स जैगुआर्स एनाकोंडास और भी बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं अगर हम बात करते हैं पीपल की कि कौन से लोग जो हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं सो दे आर पिग्मीज एंड डाइक्स ठीक है अब बात करते हैं हम अपने दूसरे जोन की दैट इज टेम्परेट ग्रास लैंड टेम्परेट ग्रास लैंड की क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं हॉट समर एंड कोल्ड विंटर इन नॉर्दर्न एमोस्फियर एंड कंपेरेटिवली माइल्ड इन साउदर्न हैमोस्फियर तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो भी टेम्परेट जोन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी है ठीक है तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ पर गर्मी होती है समर्स में और जो विंटर्स हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है ठीक है लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो वहाँ की क्लाइमेट थोड़ी नरम है ओके अब बात करते हैं वेजिटेशन की सो टोल ट्रीज़ आर एबसेंट एंड ग्रासेज आर फाउंड तो यहाँ पर जो है वो ट्रीज़ नहीं होते बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं यहाँ पर घास है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ की सो वी कैन फाइंड रैबिट्स रैट्स एंटीलोप्स एंड सो ओन तो यहाँ पर रैबिट्स, रैट्स एंटीलोप जैसे एनिमल्स पाए जाते हैं अगर हम यहाँ के पीपल्स की बात करते हैं सो मेनली होटेंटोस एंड हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं मतलब यहाँ पर रहते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं हॉट डेजर्ट की सो so, डेजर्ट की जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट तो अगर हम दिन की बात करते हैं डेजर्ट में डे जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखे होते हैं लेकिन रात जो है वो ठंडी होती है ठीक है वेजिटेशन की बात करते हैं तो वहां पर वेजि जो पेड़ उगते हैं वो है कैक्टस डेट पाल्म्स एंड अकेशिया अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं डेजर्ट की सो वी कैन फाइंड कैमल्स हाइनास कोपियोज एंड सो ऑन ठीक है अगर हम बात करते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की सो बिदोइंस एंड टूआ्स आर द काइंड ऑफ पीपल दैट आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट्स अगर लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रीजड जोन और फ्रिज जोन की क्लाइमेट जो है दैट इज़ वेरी कोल्ड थ्रू आउट द डे सॉरी ईयर तो वहाँ पर पूरे साल जो है बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है वहाँ की वेजिटेशन जो है वहाँ पर हरे पेड़ नहीं होते तो वहाँ पर मॉसेस, लिकन्स एंड स्केंटी ग्रासेस थोड़ी बहुत घास मॉसेस और लैकन्स होते हैं अगर बात करते हैं वहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं तो मोस्टली हमें ऐसे जानवर देखने को मिलेंगे जो कि ठंडे एरियाज में रह सके जैसे कि सील्स पोलर बियर्स फॉक्सिस एंड सो ऑन और ये नॉर्मल फोक्स नहीं है ये आर्कटिक फोक्सिस हैं दैट आर एडेप्टेड टू कोल्ड टेम्परेचर ठीक है अगर बात करते हैं पीपल की वहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें हम इन्यूट लैप्स और चुप चीज कहते हैं ओके okay? सो so, अब शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन टू डिफरेंट टेम्परेचर जोन ईच जोन हैज ए स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड सो ओन इक्विटोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रास लैंड हॉट डेजर्ट्स एंड जोन्स आर द मेजर वेजिटेशन जोन्स फाउंड ऑन द अर्थ लेटस स्टडी दिज वेजिटेशन जोन्स इन डिटेल इससे पहले वाले चैप्टर में हमने हीट जोन्स के बारे में बात करी थी यानी कि टेम्परेचर जोन्स है ना तो हमारा जो वर्ल्ड है जो हमारी अर्थ है उसको डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया है जितने भी जोन हैं उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग हैं तो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होने की वजह से वहाँ पे अलग तरह की वेजिटेशन उगती है वहाँ पे अलग तरह के लोग रहते हैं और वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं ठीक है ठीके? तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं सो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स ईच जोन हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल लाइफ डिपेंडिंग ऑन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर वहाँ पर कैसी वेजिटेशन होगी और कैसे जानवर रहेंगे ये डिपेंड करता है इक्विटोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रास लैंड हॉट डेजर्ट एंड फ्रिजर्ड जोन आज द मेजर वेजिटेशन जोन फाउंड ऑन द अर्थ अगर हम अपनी पृथ्वी पे वेजिटेशन जोन की बात करते हैं कि किस तरह की वेजिटेशन कौन से जोन पर पाई जाती है तो इसके बेसिस पर हमारी पृथ्वी को चार वेजिटेशन जोन में बांटा गया है दे आर इक्विटोरियल फॉरेस्ट टेम्परेट ग्रास लैंड हॉट डेजर्ट्स एंड फ्रीजड जोन ठीक है सो वी विल स्टडी अबाउट दीज वेजिटेशन जोन्स इन डिटेल्स यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट की पिक्चर दिखाई गई है ठीक तो है दे आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑलवेज अपीयर टू बी ग्रीन एज देयर ट्रीज शेड शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर तो ये जो एवर ग्रीन फॉरेस्ट है ये हमेशा हमें हरे भरे ही दिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो एमेज़ोन के रेन फॉरेस्ट जो है वो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं मेडागस्कर लो लैंड फॉरेस्ट जो है वो अफ्रीका में पाए जाते हैं इतूरी रेन फॉरेस्ट अफ्रीका में हवाईयन रेन फॉरेस्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है और हरप्पन रेन फॉरेस्ट जो है वो एशिया में है ठीक है ये कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर ये रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं ठीक है अब बात करते हैं इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के एरिया की सो दीज आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर फॉल्स ऑन द टोरेड जोन जो टोरेड जोन वाला एरिया है उसमें जो एरिया है उसी को हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का एरिया कहते हैं डिस्क्रिप्शन एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं ठीक है अगर हम यहाँ की क्लाइमेट की बात करते हैं तो वेरी हॉट क्लाइमेट विद वेरी लिटिल वेरिएशन इन टेम्परेचर नो वेरिएशन इन सीजन्स वेदर इज इधर हॉट और ह्यूमिड। तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और टेम्परेचर जो है कभी भी नहीं बदलता और यहाँ पर जो सीजन्स हैं वो भी चेंज नहीं होते ठीक है तो हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि जो इक्वेटर है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और नीचे ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ इसके बीच के एरिया को हम टोरिड जोन कहते हैं है ना तो जो टोरिड जोन में फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन्हीं को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं और यहाँ की क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हॉट और ह्यूमिड रहती है ठीक है बच्चों आई होप आपको चीज समझ आ गई होगी अब बात करते हैं यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है तो अगर हार्डवुड ट्रीज़ की बात करते हैं ऐसे ट्रीज जिनकी लकड़ी थोड़ी हार्ड होती है तो वो है महोगनी इबोनी रोजवुड ऑल्सो रबर एंड किनकोना ठीक है तो ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं ट्रीज हैं जो कि इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं ओके okay? अब बात करते हैं यहाँ की वाइल्ड लाइफ की कि यहाँ पर किस तरह के जानवर पाए जाते हैं सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट द ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है यहाँ पर बहुत तरह के जानवर फिशेज इंसेक्ट्स और भी बहुत तरह के की जो कीड़े मकोड़े हैं वो पाए जाते हैं यहाँ पर कुछ जानवर दिखाए गए हैं आपको जो कि इक्विटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं दीज आर जैगवा प्रोबोसिस मंकी टू कैन एंड रेड आइड ट्री फ्रॉक ठीक है तो ये सारे कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि हमें रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं अब बात करते हैं पीपल कि वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं सो so, ट्राइब्स सच एज पिगमीज ऑफ कॉन् डाइक्स ऑफ बोर्नियो ये दो ट्राइब्स हैं जो कि यहाँ पर रहती हैं पिगमीज लिव इन द हाउस मेड ऑफ स्टिक्स एंड लीव दे आर हंटर गैदर तो जो पिगमीज है वो घरों में रहते हैं जो कि लकड़ी और पत्तियों से बनाते हैं ठीक है दे आर हंटर गैदरर्स मतलब वो शिकार करते हैं और अपने शिकार को इकट्ठा करके खाते हैं ठीक है द डाइक्स लिव इन लार्ज कम्युनल ड्वेलिंग्स कोल्ड लॉन्ग हाउसेस एंड एंटायर कम्युनिटी ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली लिव इन अ लॉन्ग हाउस दीज लोंग हाउस आर लोकली नोन एज बितानग और लामिन दे आर बिल्ट ऑन स्ट्रोंग पोस्ट अलोंग द रिवर बैंक्स तो जो ये दूसरी प्रजाति है ट्राइब की जिसे हम डाइक्स कहते हैं वो बड़े से घरों में रहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो ना ये बहुत बड़ा घर है और इन्हें हम लो, लोंग हाउस कहते हैं ठीक है और जितने भी इनकी कम्यूनिटी है मतलब जितना भी इनके आस पास जो लोग रहते हैं वो सारे एक ही घर में रहते हैं ठीक है और इस घर को को क्या नाम जानते हैं इस घर का नाम होता है बेतांग या फिर लामिन ठीक है और ये जो घर है ये रिवर के बैंक पर बनाते हैं मतलब ऐसी जगह पर जहां पर नदी का किनारा हो ठीक है बच्चों सो वाई आर द एमेजोन रेन फॉरेस्ट कॉल द लंग्स ऑफ अर्थ आप बताइए कि जो एमेजोन का रेन फॉरेस्ट है उसे धरती का फेफड़ा क्यों कहते हैं बिकॉज रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज हैं और हम सभी जानते हैं कि जो ट्रीज हैं दे गिव इन ऑक्सीजन ठीक है oxygen, वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं इसीलिए उन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो आज के वीडियो में बस इतना ही जिसमें हमने इक्विटोरियल के इक्विटोरियल फॉरेस्ट के बारे में बात करी कि जो एरिया है टिड जोन का जो कि इक्वेटर के दोनों साइड्स पर है उसे हम इक्विटोरियल रीज़न कहते हैं और वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हम इक्विटोरियल फॉरेस्ट कहते हैं अगर हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो वहाँ के फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है और उन्हें रे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ की क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल भी होती है वेजिटेशन जो है अगर हार्डवुड की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पेड़ हैं महोगनी के इबोनी के और रोजवुड के पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं ठीक है वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो बहुत तरह के वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं जैसे कि जैगवार प्रोबोसिस मंकी टू कैन रेड आइड ट्री फ्रॉग एंड ऑल्सो एनाकोंडा जो एनाकोंडा है वो भी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है अगर हम यहाँ के लोगों की बात करते हैं तो ट्राइब्स रहती हैं वहाँ पर जैसे कि पिगमीज़ ऑफ कोंगो और डाइक्स ऑफ बोर्नियो जो पिगमीज़ हैं वो हंटर गैदरर्स होते हैं जो कि अपने शिकार को करते हैं और उन्हें खाते हैं ठीक है और जो डाइक्स हैं बोर्नियो के वो बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिसे बेतांग या लामिन कहते हैं और इनके जो घर हैं वो नदी के किनारे पर बने होते हैं ठीक है बच्चों उसके बाद हमने एक बात और जानी कि जो एमेज़ोन रेन फॉरेस्ट है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा जाता है ठीक है सो आप एक बार यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएं